शेयरिंग इज कैरिंग, शेयरिंग इज कैरिंग, शेयरिंग इज कैरिंग। बचपन से ये लोग हम सुनते आ रहे हैं। पहले जब छोटे थे तब मां ने यह सिखाया, फिर थोड़े किशोर अवस्था में आए तो पिताजी ने भी यही बताया, जवानी आई तो गर्लफ्रेंड ने भी यही सिखाया। और जिन्होंने ना इन तीनों से, माता से, पिता से, गर्लफ्रेंड से, किसी से नहीं सीखा ना, उनको शादी के बाद में बराबर से उनकी बीवियों ने सिखाया। यस गाइस, कहने का मतलब यही है कि सही चीजें अगर हम वक्त रहते समझ लें तो नथिंग लाइक दैट। हमें ये सही चीजों को सीखना तो होता ही है, लाइफ हमें सिखा देती है, बट लाइफ अगर उसी सही चीज को सिखाने के लिए रॉन्ग टाइमिंग चूज करती है ना, तो देन इट्स वेरी पेनफुल। सो वाइज आदमी तो वही है, बुद्धिमान आदमी तो वही है जो समय के रहते सही चीजों को सीख ले, अपना ले। एंड आप जिनसे भी प्यार करते हैं, चाहे वो आपके परिवार वाले हों, आपके दोस्त हों, समाजवासी हों या देशवासी, गिव देम ए डोज ऑफ लव बॉयज। उन लोगों को प्यार दो, उन लोगों को स्वास्थ्य भरी जिंदगी दो, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं ना, वो तो दुखों का सागर है बॉस। एंड स्वास्थ्य जो है ना, वो अमृत का समुंदर। एक बहुत ब्यूटीफुल वर्स मैं आप सभी लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। इसका मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। ये जो चार पुरुषार्थ हमें बताते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ भी कौन सी कंडीशन में पॉसिबल है? जब आप आरोग्य हैं, जब आप बीमारियों से फ्री हैं, आप एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, तभी आप इन पुरुषार्थ को भी कर पाएंगे। अदरवाइज ये पुरुषार्थ भी पॉसिबल नहीं है। हम में से आधे से ज्यादा लोग सिर्फ इन बीमारियों के लूप में फंसे हुए हैं। बॉस, एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स वाला खाना खा के हम लोग इस शरीर से स्वास्थ्य की अपेक्षा नहीं रख सकते। ये केमिकल्स, ये पेस्टिसाइड किसी न किसी बीमारी के रूप में हमें नजर आएंगे ही आएंगे। अगर हम ये पेस्टिसाइड वाला खाना खाते हैं तो कोई ना कोई डिसऑर्डर हमारे बॉडी के अंदर जरूर आएगा और हम एक स्वस्थ जीवन नहीं जी पाएंगे। ये स्वास्थ्य है ना, वो इन दवाइयों से नहीं मिल सकता। ये दवाइयां तो हमें एक टेम्परेरी रिलीफ दे सकती है, बट कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकती। अगर रियल ट्रीटमेंट भी इन बीमारियों का चाहिए तो यू मस्ट गो ऑर्गेनिक। अगर आप बीमार नहीं है, इवन दो यू मस्ट चूज ऑल दिस ऑर्गेनिक फूड स्टफ एज एन इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स योर हेल्थ। एंड दैट इज हाउ मैं हमेशा कहते रहता हूं कि इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, बिकॉज दैट विल लीड टू हैप्पीनेस एज वेल, एंड दैट इज व्हाट अवर अल्टीमेट गोल फॉर द लाइफ इज। कौन जाके अपने दुखों को बाई करता है बॉस? सो वी मस्ट चूज अवर फूड स्टफ कॉन्शियसली फॉर दैट मैटर। सो बिफोर क्लोजर ऑफ दिस वीडियो, आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप एक स्वास्थ्य भरी जिंदगी, एक आरोग्य भरी जिंदगी चाहते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं इन लाइफ, देन यू मस्ट चूज योर फूड स्टफ कॉन्शियसली। गो ऑर्गेनिक, गो सात्विक। आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ अहेड। थैंक यू गाइस।